Hello guys and welcome to Manual Education. So this video is very important for all the MHCET aspirants. Guys, as you all know कि आपके cap rounds जो हैं वो start हो चुके हैं, round 1 ख़त्म हो चुका है, round 2 आपके start हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे students हैं जिनको बहुत सारे doubts हैं. तो आज हम इस video में basically आपके questions, आपके doubts cover करने वाले हैं. आपको freeze and float को लेकर या फिर betterment आप बोल सकते हो उसको लेकर doubt है, college preference उसको लेकर डाउट है कि आप प्रेफरेंस लिस्ट कैसे सेटअप कर सकते हो, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे और भी जो कॉमन डाउट्स हैं, तो उन सारे डाउट्स को हम क्लियर करने वाले हैं. तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस वीडियो को अच्छे से देखना और शेयर भी करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो कैप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिनको ये सारे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आया है वो है हाउ टू सेट द प्रेफरेंस लिस्ट. अब प्रेफरेंस लिस्ट को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि उन्हें अच्छे से अच्छा कॉलेज चाहिए, उनके परसेंटाइल्स अच्छे आए हैं अच्छे नहीं आए हैं, तो प्रेफरेंस लिस्ट कैसे सेट करें. तो उसके लिए प्रेफरेंस लिस्ट नीड्स टू बी सेट बेस्ड ऑन योर परसेंटाइल, योर प्रेफरेंस ऑफ कॉलेजेस एंड कॉलेज कट ऑफ. अब तीन तरीके से आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सेट कर सकते हो. सबसे पहले बात कि आपका परसेंटाइल क्या आया है. अगर आपका परसेंटाइल 90 से लेकर 95 के बीच में आया है, 95 से लेकर 98 के बीच में आया है, या आपने 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर किया हुआ है, तो आप डेफिनेटली टॉप 5 कॉलेजेस को टारगेट करोगे. बट अगर आपका परसेंटाइल फॉर एग्जांपल 82-85 आया है, 80 से नीचे आया है, तो ऑब्वियसली आप टीयर 3 वाले कॉलेजेस को टारगेट करोगे. उसी हिसाब से आपकी प्रेफरेंस लिस्ट भी सेट होगी. अगर आपने अच्छा परसेंटाइल स्कोर किया है तो ऑब्वियसली आपके प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप से टॉप कॉलेज होगा. कॉलेज के कट ऑफ्स भी काफ़ी डिपेंड करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड कॉलेज है जिनका कट ऑफ 99 पर क्लोज हुआ है बट आपका परसेंटाइल आया है 98, तो ऑब्वियसली आपके हाथ से ये वाला कॉलेज तो चले जाएगा. फिर आपको ABC कॉलेज टारगेट करना पड़ेगा जिसका परसेंटाइल 98 पर क्लोज हुआ है, तो आपको ऑटोमेटिकली वो वाला कॉलेज अलॉट हो जाएगा. तो प्रेफरेंस लिस्ट आप तीन तरीके से सेट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर परसेंटाइल, आपके प्रेफरेंस कि आपको वो कॉलेज कितना पसंद है, कितना ईगरली या कितना डेस्परेटली आप उस कॉलेज में जाना चाहते हो, और कॉलेज के कट ऑफ्स क्या हैं. तो आई होप कि पहला क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर कर गया होगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ विल आई गेट कॉलेज इन अदर राउंड इफ आई गो फॉर बेटरमेंट. अब बेटरमेंट को भी लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट है. तो बेटरमेंट बेसिकली क्या होता है, फ्लोट ऑप्शन होता है. पहले हमें एक ऑप्शन आता था फ्रीज एंड फ्लोट, याद है, तो अब फ्लोट को बेटरमेंट का नाम दे दिया गया है. तो बेटरमेंट क्या होता है कि आप फ्लोट ऑप्शन चूज करते हो. फॉर एग्जाम्पल आपको राउंड 1 में ABC कॉलेज अलॉट हुआ है बट आपको इस कॉलेज में नहीं जाना, तो आप इससे बेटर सेकेंड राउंड में एक्सपेक्ट कर सकते हो बाय चूजिंग द बेटरमेंट ऑप्शन. यानी आपने इसको फ्लोट कर दिया, आप इसको फ्रीज नहीं कर रहे. फ्रीज मतलब आप ABC में एडमिशन लेने वाले हो, आपने उसमें सीट अपनी कंफर्म कर ली है. बट बेटरमेंट सिंपली मीन्स कि आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हो, सो दैट आपको ABC से बेटर XYZ कॉलेज लग रहा है और उसके मिलने के ज़्यादा चांसेस आपको लग रहे हैं राउंड 2 में, तो आपने उसको बेटरमेंट के लिए चूज़ कर लिया. सो बेटरमेंट इज़ नथिंग बट यू कैन गेट अ बेटर कॉलेज इफ़ योर परसेंटाइल रेंज इज़ बिटवीन दी कॉलेज कट ऑफ. अगेन कॉलेज कट ऑफ पर सारी चीज़ें डिपेंड हो जाती है कि कॉलेज कितना कट ऑफ आपसे डिमांड कर रहा है. अगर आपने बेटरमेंट चूज़ किया और आपका परसेंटाइल फॉर एग्जाम्पल 97 है बट जो कॉलेज के लिए आपने बेटरमेंट चूज़ किया है वो आपसे डिमांड कर रहा है 99 परसेंटाइल की, तो आपको ऑब्वियसली राउंड 2 में भी ये कॉलेज अलॉट नहीं होगा. तो कॉलेज के कट ऑफ्स को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको आपके खुद के परसेंटाइल को भी ध्यान में रखना पड़ेगा. अगर दोनों का रेंज एक साथ बैठ रहा है तो डेफिनेटली आपको उस राउंड में वो वाला कॉलेज मिल जाएगा. तो ये दो बेसिक क्वेश्चंस तो यहाँ से आपके सॉल्व हो जाएंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज बेटरमेंट एंड फ्रीज. तो फ्रीज मीन्स एक्सेप्टिंग द अलॉटेड कॉलेज. जैसे कि मैंने बोला आपको राउंड 1 में कॉलेज XYZ अलॉट हो चुका है, आपको ये कॉलेज ही पसंद था, आपको इसी कॉलेज में जाना था, तो आपने इसको फ्रीज कर लिया. अब फ्रीज करने के लिए आपको इनकी सीट एक्सेप्टेंस फीस होती है,
विच इज़ 1000 रुपीज़, वो आपको पे करनी है। एक्स वाई जेड कॉलेज में आपको विजिट करना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर। डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे वो भी हम कवर करेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाओगे, उनको फिज़िकली वेरीफाई करवाओगे। जो भी इस कॉलेज की फ़ीस होगी आप फीस पे करोगे और वहाँ से आपका एडमिशन जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। ये तो होगी फ्रीज वाली बात। अब बेटरमेंट क्या है? ऑफ फॉर बेटरमेंट एज दी पोस्ट अलॉटमेंट चॉइस। पोस्ट अलॉटमेंट मीन्स क्या? आपको राउंड वन में कॉलेज तो ऑलरेडी अलॉट हो चुका है, बट आपको इसमें नहीं जाना, एक्स वाई जेड में नहीं जाना, आपको जाना है कॉलेज ए बी सी में। तो आप राउंड टू में ए बी सी को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर वन पे रखोगे। आपको राउंड टू में भी अगर ए बी सी नहीं मिला तो आप राउंड थ्री में पार्टिसिपेट करोगे फॉर ए बी सी कॉलेज। तो ये बेसिकली होगा आपका फ्रीज एंड फ्लोट, यानी बेटरमेंट ऑप्शन भी आप बोल सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन कॉलेजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आर ऑलरेडी मेंशन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कॉलेज विच इज़ बीन अलॉटेड। अब डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैंडी रख सकते हो, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, आपके सर्टिफिकेट्स हो गए अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो और अंडर ग्रेजुएट के बाद वाले कोर्सेज के लिए जाना चाहते हो तो आपको 12th के मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएट तो आपको ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स, आपका सीईटी का एप्लीकेशन फॉर्म, आपको कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर, तो ये सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंट्स आपको हैंडी रखना पड़ेगा और यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जाकर कॉलेज में सबमिट करने पड़ेंगे। वैसे जो भी कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएगी कौन से डॉक्यूमेंट्स कॉलेज को चाहिए होंगे और वो डॉक्यूमेंट्स आपको उन्हें सबमिट करने पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखना। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है नहीं, जो भी स्टूडेंट्स कैटेगरीज में फॉल होते हैं तो उनके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट और वैलिडिटी सर्टिफिकेट ये इम्पॉर्टेंट है, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, आपको बनाकर रखना पड़ेगा अगर आपके पास नहीं है तो। इनको भी हैंडी रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। इफ़ आई ऑफ फॉर बेटरमेंट विल आई गेट द कॉलेज विच इज़ अलॉटेड टू मी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि अगर मैंने बेटरमेंट के लिए ऑप्ट किया है तो क्या वो कॉलेज मुझे अलॉट होगा जो मुझे ऑलरेडी अलॉटेड था। सच कैंडिडेट विल रिटेन दियर करंट सीट एलोकेशन एंड पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड एट द सेम टाइम। तो यानी आप अपनी सीट रिटेन कर सकते हो, रिटेन इन अ सेंस, रिटेन का क्या मतलब होता है कि आप अपनी सीट रख कर नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। हाउएवर इफ़ द कैंडिडेट डज नॉट पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस द सीट एलोकेशन विल बी कैंसल्ड। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस भरनी पड़ेगी, इनकी एक टाइमलाइन होगी, एक विंडो होगी, उसी विंडो के अंदर आपको ये फीस भर के अपनी सीट जो है वो फ्रीज करनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं किया तो आप की सीट जो है वो कैंसिल भी हो जाएगी, जो भी आपको सीट अलॉकेट हुई थी, और हो सकता है आप कैप राउंड से बाहर भी हो जाओ, तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना आपने। क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ आई हैवेंट अलॉटेड एनी कॉलेज इन राउंड 1 एंड 2, वॉट शुड आई डू। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनको राउंड 1 में भी कोई कॉलेज नहीं मिला, जिनको राउंड 2 में भी कोई कॉलेज नहीं मिला, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें सिंपली पार्टिसिपेट करना चाहिए राउंड 3 में। एंड यू हैव टू सेट योर कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बेस्ड ऑन कॉलेज कट ऑफ एंड योर परसेंटाइल। अब तक आपको कट ऑफ पता चल गए हैं राउंड 1 में क्या कट ऑफ थे, राउंड 2 में क्या कट ऑफ थे, आपको पहले राउंड में कोई कॉलेज नहीं लगा, सेकेंड में भी कोई नहीं लगा, आपको कट ऑफ से पता चल गया। राउंड 3 में पार्टिसिपेट करो बेस्ड ऑन द कट ऑफ्स, और आपका जो परसेंटाइल है उस पर अपनी कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट सेट करो, और इस तरह आप राउंड 3 में जो भी कॉलेज हैं उनमें एडमिशन ले सकते हो। सो ये गाइस कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस थे, ये हमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के तरफ से क्वेश्चंस मिल रहे थे और मोस्टली ये कॉमन क्वेश्चंस थे। तो वीडियो के फॉर्मेट में आप तक ये सारे डाउट्स क्लियर करना ज़रूरी था। आई होप इन सारे क्वेश्चंस को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट फिर भी अगर आपको और भी कोई एडिशनल डाउट है यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, और शेयर कर दो ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो यस गाइस दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। कैप राउंड को लेकर सारे क्विक अपडेट नोटिफिकेशन के लिए चैनल के साथ बने रहना। अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।